वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ई मैक्स, कि जब एनर्जी मैक्सिमम हुई तो उसकी वेवलेंथ 14 माइक्रोन्स है, तो लैम्डा एम गिवन है। माइक्रोन या माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। एस्टिमेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून, तो अगर लैम्डा एम इतना है तो टेम्परेचर निकालो मून का कितना है, तो क्या करेंगे, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो आपको बी पता है, गिवन ही है क्वेश्चन में, लैम्डा एम पता है, सॉल्व करके टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। स्टार्स का टेम्परेचर कैसे पता लगता है अर्थ पे बैठ के, वो जाता थोड़ी ना मेजर करने। सन का टेम्परेचर कैसे पता लग रहा है, आप रेडिएशन की वेवलेंथ मेजर कर लेते हो, वहां से जो रेडिएशन हैं उसकी वेवलेंथ निकाल लो। लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, लैम्डा पुट करके उसकी मैक्सिमम रेडिएशन निकाल लो, टेम्परेचर आ जाएगा। बड़ी काम की चीज़ है ये, लो है छोटा सा पर टेम्परेचर निकाल देगा बड़ी बड़ी बॉडीज का, ठीक, उसकी सिर्फ वेवलेंथ को मेजर करके। सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज 1 to 27 डिग्री सेल्सियस, तो गर्म बॉडी का टेम्परेचर गिवन है। फाइंड द वेवलेंथ जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम रेडिएट होगी, लैम्डा एम निकालना है। सेम लॉ, टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लें, बी आपको पता है लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, इसमें लैम्डा एम निकालना है, बी पता है, टेम्परेचर पता है, आंसर। अगर आपको बी के यूनिट्स सेंटीमीटर में गिवन है तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर ये मीटर में गिवन है तो लैम्डा भी फिर मीटर में आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम एट 4753 एंगस्ट्रॉम, तो वो कह रहा है कि सन की अगर हम ये एनर्जीज को देखें, सन एज अ हॉट बॉडी लें, तो उसका लैम्डा एम इतना है, और जब सन का टेम्परेचर कितना है, 6050 केल्विन है। ठीक, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार, वो कह रहा है फिर स्टार का टेम्परेचर क्या होगा जिसका मैक्सिमम लैम्डा इतना है। अब यहां पर दो बॉडीज हैं, एक सन है और एक स्टार है। सन का क्या गिवन है, लैम्डा एम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। स्टार का लैम्डा एम गिवन है, टेम्परेचर निकालना है। अब क्योंकि किसी भी सन या स्टार के लिए लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा, तो सन के लिए लैम्डा एम इंटू टी और स्टार के लिए लैम्डा एम डैश इंटू टी डैश वैल्यू सेम रहेगी। यहां से कंपेयर करके आप स्टार का टेम्परेचर निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में, नीट में और एनसीईआरटी में कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक सन देगा एक स्टार देगा, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट से लैम्डा एम इंटू टी सन का और स्टार का इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है। एन इनडायरेक्टली हीटेड फिलामेंट इज रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ गिवन, एक फिलामेंट है जिसका लैम्डा एम दे दिया उसने, फाइंड नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें गिवन है और यहां पर सिग्मा भी गिवन है, जो इंडिकेशन है कि यहां पर स्टीफन लॉ लगने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी फिलामेंट है उसकी लैम्डा एम की वैल्यू पता है। देखो, कोई भी अगर किसी भी चीज की लैम्डा एम की वैल्यू पता है तो टेम्परेचर तो आ ही जाएगा, क्योंकि लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। यहां से टेम्परेचर निकल गया बॉडी का टेम्परेचर निकल गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्म गर्म बॉडी सराउंडिंग में हीट को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो क्या लगेगा वो निकालने के लिए, स्टीफन्स लॉ। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो बॉडी अपने अंदर से कितनी एनर्जी एमिट कर रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, स्टीफन्स लॉ, सिग्मा इन टू बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर इज टू पावर 4। सॉल्व करके आंसर, मेथड समझ में आ रहा है कि पहले बॉडी का टेम्परेचर निकलेगा फिर स्टीफन लॉ लगेगा इसमें।